कल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का बड़ा बयान भी सामने आया। एक कार्यक्रम में एलजी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी के इस बयान पर अटकलें शुरू हो गई कि आखिर ऐसा कहने के पीछे मकसद क्या है, क्या इस्तीफा ना देने पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं एलजी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये देखिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़कर भी बता देते हैं क्या कुछ एलजी ने कहा है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये क्लियर कट दिल्ली के एलजी का ये बयान, इनफैक्ट बहुत बड़ा बयान। अब बयान के मायने क्या है, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या बर्खास्त हो सकती है सरकार, क्वेश्चन मार्क। तो अरविंद केजरीवाल पर एलजी का यह बड़ा बयान, वैसे भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और एलजी में तनातनी जग जाहिर है, और एलजी के जो बयान अभी आए हुए हैं बड़े बयान, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं कि जेल से सरकार तो नहीं चलेगी, और केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या बर्खास्त कर सकते हैं एलजी, क्या यह सरकार बर्खास्त हो जाएगी, ये सवाल है। और इसके कयास भी लग रहे हैं क्योंकि जब बड़े बयान सामने आते हैं एलजी की तरफ से तो चलिए अपने सहयोगी मनीष पांडे का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, जो ईडी ने परेशानी बढ़ाई है अरविंद केजरीवाल की और जो रिमांड अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि रिमांड और 7 दिनों की मांग सकती है, तो यहां से आप अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का भविष्य, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के जो सूत्र है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 14 दिन की कस्टडी में रखने का उनका अधिकार है, वो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो बाकी के 7 दिन हैं उन 7 दिनों के लिए कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में रहने दिया जाए, और उसके पीछे का जो ग्राउंड दिया जाएगा किस बिना पर ईडी रखना चाहती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच के दौरान जब कस्टडी में थे अरविंद केजरीवाल तो पूछताछ में उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया हुआ है, कई सवालों के जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिए हुए हैं। एक उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल से उस फोन के बारे में पूछा गया है कि जिस फोन से आपने साल 2021-22 में एक आरोपी समीर महेंद्रू से बातचीत की थी, वो फोन आखिरकार कहां पे है, उस पे साफ तौर पे उनका ये कहना है अरविंद केजरीवाल का कि मुझे जानकारी नहीं है। तो अब टेक्निकल एविडेंस के जरिए उन बातों को पुख्ता करने की ईडी कोशिश करेगी। उसके अलावा कई ऐसे ग्राउंड होंगे कि कई ऐसे लोगों के बयान है उनसे आमना सामना कराना है अरविंद केजरीवाल का, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ईडी का दावा यह है कि उनके पास में कुछ ऐसे ग्राउंड है, पुख्ता सबूत है, जिसके बिना पर अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिन के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है और आम आदमी पार्टी को भविष्य में आरोपी भी बनाया जा सकता है। मनीष, नजर बनाकर रखिएगा, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।